राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में बहुत आसान सी रेसिपी आज हम लेके आए हैं, जो कि 15 मिनट में हमारी स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो जाए। तो इस तरह की रेसिपी आज हम लेके आए हैं और ये कुछ ही इन्ग्रीडियंट से तैयार हो जाता है, जो कि हमारे रसोई में हमेशा मौजूद रहता है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक 1.25 लीटर दूध ले लेंगे। ये 1.25 लीटर दूध है और इसको हम गर्म करेंगे इस पैन में। इसको हम उबाला दे लेंगे और इसके साथ ही हमने क्या करना है, इसमें शुगर भी ऐड करना है, और 4 कप या आप 4 चम्मच ऐड कर सकते हो। और साथ ही हम इलायची पाउडर टेस्ट के लिए ऐड कर देंगे। अब इसका हम बनाएंगे कलाकंद। ये देखिए, इस तरह दूध को हम उबाला दे देंगे। अब ये हमारा दूध 1.25 लीटर है और 1.25 लीटर में ढेर सारा कलाकंद तो बनेगा नहीं, इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप ढेर सारा कलाकंद कैसे बना सकते हैं। यहाँ दूध हमारा वायल हो चुका है, मीठा भी है। अब यहाँ हम कटोरी में थोड़ा सा लिए हैं केसर के धागे, इसमें हम थोड़ा दूध डाल के और भिगो देते हैं। और दूसरे बाउल में हम 150 ml तक दूध निकाल लेंगे। ये दूध पूरा वायल हो चुका है और अच्छी तरह ये पक चुका है और मीठा भी है। अब यहाँ देखिए, इस तरह हम दूध को पकने देते हैं, इसको रबड़ी बनने देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं। उसके बाद में ये हम ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जो 8-10 पीस है और पूरे स्पंज हैं। अब क्या करेंगे, इसके ब्राउन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह साइड हम कट के हटा देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से कट के और इसको चौरस पीस बना लेते हैं, बस सफ़ेद पार्ट रह जाए और जो ब्राउन पार्ट है इसको हटा दिया। अब इसको हम 2 पीसेज में कर देते हैं। 2 पीसेज करने में हमारे जो पीसेज बनेंगे कलाकंद के, ये इतने इतने बड़े साइज के बनेंगे। इससे भी छोटा आपको करना तो आप कर सकते हो। तो इस तरह ये हमने सारा पीसेज कट लिया और ये जो हमारा ब्राउन पार्ट निकल गया, इसके हम ब्रेड क्राम भी बना सकते हैं या हम वैसे दूध में भिगो के भी खा सकते हैं, यानी हम इसको फेंकेंगे नहीं। और ये देखिए, इस तरह हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें जो हमने केसर के धागे भिगोए थे दूध में, ये हम डाल देते हैं और इस तरह इसको हम गाढ़ा होने देते हैं। जब ये अच्छी तरह हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी बन जाता है, तब हम इसका बनाते हैं कलाकंद। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे हम उबालते जाते हैं, वैसे वैसे ये गाढ़ा हो गया। अब 1 लीटर 1.25 लीटर दूध का कलाकंद जो बनेगा, बस ये 200 ग्राम बनेगा, लेकिन हम ढेर सारा कलाकंद इसी तरह बना सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह ये दानेदार और गाढ़ी सी रबड़ी हमारी बनके तैयार होगी। ये देखिए, और इसको गाढ़ी करनी तो आप और भी कर सकते हो। और ये देखिए, ये अच्छी तरह ये दानेदार भी है, इससे हमारा जो कलाकंद बनेगा अच्छी तरह ये दानेदार बन जाएगा। अब ये जो ब्रेड हमारा है, पूरा स्पंज है, और स्पंज ब्रेड का कलाकंद बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें रबड़ी भी अब्जॉर्ब करती है और दूध भी डालें तो अब्जॉर्ब करती है। और ये देखिए, ये रबड़ी हमारी थोड़ी ठंडी कर लिया है और इस तरह हम ट्रे में डाल देते हैं। ये देखिए, इसको फैला देते हैं, प्लेन भी कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे रखते जाइए। ये देखिए, पीसेज उठाइए और इस तरह आप जोड़ लीजिए इस ट्रे में। ट्रे आपके पास अगर सेम साइज का हो तो ठीक है, हमारा साइज तो बड़ा वाला ट्रे है, इसलिए हम बड़े साइज में इस तरह रख रहे हैं। आपके पास छोटा साइज का ट्रे हो तो आप छोटा लगाएंगे और फुल भर के इस तरह पीसे जोड़ लेंगे, तो रबड़ी भी इधर उधर नहीं जाती है। या आपके पास कोई थाल हो या चौरस प्लेट हो, जैसे मर्जी हो, छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, इस तरह की रेसिपी आप बना सकते हो। और ये देखिए, ये 1.25 लीटर दूध में ढेर सारा कलाकंद इस तरह बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब हम रबड़ी को ऊपर से भी डाल देंगे, जिससे ये रबड़ी भी थोड़ी अब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद हम थोड़ा दूध भी डालेंगे, जो हमने अपने दूसरे बाउल में दूध रखा था वो भी इसके ऊपर डालेंगे, जिससे हमारा जो ब्रेड है पूरी तरह दूध मीठा भी अब्जॉर्ब कर लेगी और रबड़ी भी अब्जॉर्ब कर ली। तो ये देखिए, ये ऊपर से हमने रबड़ी लगा दिया, अब ये ब्रेड के पीसेज ऊपर से भी इसी तरह सेट कर देंगे। ये देखिए, एक दूसरे पीस को चिपक जाता है और ये पीस हमारे एक से नहीं डबल पीस बन जाते हैं। तो बस इसी तरह हम सेट कर देंगे। देखिए, सारे पीसेज हमारे इसी तरह सेट हो जाएंगे। ये देखिए, पीसेज हमारे थोड़े कम हैं, तो जो हमने नीचे सेट कर रखा है इसको हम ऊपर सेट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे पीसेज कम पड़ गए। अब ये जो साइड में हमारा नीचे है, इसको 2 पीस हम उठा के ऊपर सेट कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह हम ऊपर सेट कर दिए।
जो हमारा ब्रेड होता है ये पूरी रबड़ी अब्जॉर्ब करती है, ये पूरे दानेदार हो जाते हैं, इसमें ये पूरा दानेदार दिखाई देगा। इस तरह हमारा जो ब्रेड का कलाकंद है ढेर सारा तैयार हो जाता है और ये बहुत टेस्टी मिठाई बनती है और आसानी से बन जाता है और कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाता है। अब जो दूध हमने बाउल में रखा था इस तरह हम ब्रेड के ऊपर डाल लेंगे, जिससे ये हमारा ब्रेड पूरा मीठा अब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि रबड़ी जो होती है पूरी अच्छी तरह अंदर तक अब्जॉर्ब नहीं होती है। अब यहाँ हम जब दूध डालते हैं तो पूरी तरह स्पंज हमारा ब्रेड अब्जॉर्ब कर लेती है और इसके ऊपर फिर हम रबड़ी ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो कलाकंद है पूरी अंदर से अब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत टेस्टी कलाकंद बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ हमारे दूध सारा इसके ऊपर अब्जॉर्ब करा दिया। अब जो हमारी रबड़ी बची हुई है इसमें हम सारा डाल देंगे। ये देखिए, ये सिर्फ हमने 1 लीटर दूध से सारी रबड़ी बनाई है और ढेर सारा कलाकंद हमारा इस तरह बनके तैयार हो जाता है। ये मत सोचिए कि हमारा ब्रेड से मिठाई टेस्टी नहीं बनती, बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। आप कलाकंद से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई इस तरह आप बना सकते हो और ये मिठाई हमारी सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपके पास है इस तरह डाल सकते हो। और ये देखिए, इस तरह हमारी जो है रबड़ी की डालने से थोड़ी पीसेज हमारे फैल रहे थे, तो यहाँ हमने जो ब्राउन वाला पार्ट हमारे एक पीस साइड में होता है वो बचा हुआ था, ये कट के हमने साइड में लगा दिया। अब ये देखिए, हमारे पीसेज अच्छी तरह तैयार हैं और इसको सिर्फ आप 10 मिनट के बाद इस तरह कट कर दीजिए। ये देखिए, कटिंग तो हमारा पहले से ही है, अब इस तरह हम वैसे ही नाइफ मार देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब ये हमारे पीसेज बहुत टेस्टी तैयार है हमारे कलाकंद। अब यहाँ 1 लीटर दूध में हमारा ढेर सारा कलाकंद तैयार हो गया और बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में तैयार हो गया और बहुत टेस्टी मिठाई हमारी तैयार होगी। आप ज़रूर बना के देखें कि ये मिठाई कितनी टेस्टी होती है। तो इस तरह हम पीसेज अलग अलग कर देते हैं और इसको आप प्लेट में रख के सेल्फ पिक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप करछी से उठाइए और प्लेट में रख दीजिए, या आप नाइफ से और छोटे पीस भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये पीस हमारे पूरे स्पंज और पूरी रबड़ी जा हमारे तैयार हैं और पूरे दानेदार हमारे कलाकंद तैयार हैं। इसको आप सेट करके 4-5 घंटे के बाद भी कट कर सकते हो, इससे और ज़्यादा सेट हो जाता है। हमने तो तुरंत काट दिया, क्योंकि हमें जल्दी थी इसलिए हमने तुरंत बना के और काट दिया। आप इसको 4-5 घंटे छोड़ देंगे तो और बढ़िया सेट हो जाता है और इस तरह आप ब्रेड से कलाकंद बहुत टेस्टी बना सकते हो। ये देखिए, पूरे दानेदार हमारे कलाकंद बन के तैयार हैं और इस मिठाई को आप 4 दिन स्टोर करके खा सकते हो। और हाँ दोस्तों, आसान से आसान सी रेसिपी हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। हमने बहुत सी मिठाइयों की रेसिपी अपलोड की है, आप देख सकते हो। और जो भी आपको कमेंट में पूछना आप पूछ भी सकते हो। और ये देखिए, इस तरह आप ब्रेड से कलाकंद ढेर सारा बना के तैयार कर सकते हो। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ।